Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. मोदी का नाम लेकर कश्मीर पर बयान देकर ट्रंप खुद ही फंस गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से लेकर अमेरिकी सांसदों तक को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप के झूठ पर डैमेज कंट्रोल कैसे करें। Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said where? He said Kashmir. Donald Trump ने एक नहीं तीन बड़ी गलतियां कर दी। पहले तो कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बिना पूरी जानकारी के गलत बयान दिया। अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी की आड़ लेकर उन्होंने दूसरी बड़ी गलती की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालकर उन्होंने तीसरी बड़ी गलती की। जाहिर है कि कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने ट्रंप के झूठ की पोल खोल दी। ये तीनों गलतियां अब अमेरिका को भारी पड़ रही हैं। ट्रंप के फैलाए रायते को अब अमेरिकी सरकार समेट रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को अपनी सफाई में कहना पड़ा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है। ट्रंप प्रशासन इस बात का स्वागत करेगा कि भारत पाकिस्तान बातचीत की मेज पर बैठे। अमेरिका इसमें मदद के लिए तैयार है। I think they'd like to see it resolved and I think you'd like to see it resolved and if I can help I would love to be a mediator. अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने तो ट्रंप के बयान को बचकाना और शर्मनाक बताया। भारतीय राजदूत से इसके लिए माफी भी मांगी। जो भी दक्षिण एशिया की विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं जानता वह यह भी नहीं जानता कि भारत हमेशा कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता का विरोध करता रहा है। हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप का बयान बचकाना और भ्रामक है, यह शर्मनाक है। साफ है कि कश्मीर पर ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है और अब अमेरिका इस कोशिश में है कि कैसे इस बयान को बवाल में बदलने से रोका जाए।